हाय बच्चों, आयुष रत्न अकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम हिस्ट्री क्लास 8 पाठ का नाम 2, पाठ का नाम भारत में अंग्रेजी राज की स्थापना के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं स्क्रीन पर दिख रहे हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न है। इसमें हम लोग देखेंगे फर्स्ट पॉइंट को, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। ऑप्शन ख क्लाइव ने, ऑप्शन ख कार्टिवर ने, ऑप्शन घ कैप्टन लाली ने, ऑप्शन घ हेक्टर मुनरो ने। तो बच्चों, इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका क, लॉर्ड क्लाइव ने। स्क्रीन पर दिख रहे दूसरे प्रश्न को हम देखते हैं। मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी स्थानांतरित करने वाला बंगाल का नवाब था। क, सिराजुद्दौला, ख, मिर्जाफर, ग, मीर कासिम, घ, नजमुद्दौला। इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों ग, मीर कासिम। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, अति लघु उत्तरी प्रश्न। इसका पहला पॉइंट है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत बढ़ाने में किसका विशेष योगदान था? इसका उत्तर हो जाएगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत बढ़ाने में लॉर्ड क्लाइव का विशेष योगदान था। क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी नील काफ़ी चाय के बागान कहाँ लगाती थी? इसका उत्तर हो जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी नील काफ़ी चाय के बागान भारत में लगाती थी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न। 3 का पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं, प्लासी का युद्ध किस किसके बीच हुआ था? उत्तर हो जाएगा, प्लासी का युद्ध क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। स्क्रीन पर दिख रहे हैं तीसरे के दूसरे प्रश्न, दूसरे नंबर का हम लोग देखते हैं, बक्सर के युद्ध का महत्व बताइए। तो उत्तर हो जाएगा, बक्सर के युद्ध का भारतीय इतिहास में बहुत महत्व है। जहां प्लासी की जीत ने अंग्रेजों के आर्थिक स्थिति मजबूत की, वहीं बक्सर की जीत ने अंग्रेजों के पैर भारत में और मजबूत कर दिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, दीर्घ उत्तरी प्रश्न। 4 का पहला पॉइंट देखते हैं, अंग्रेजों के व्यापार के लिए भारत की क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण थी? उत्तर हो जाएगा, अंग्रेजों के व्यापार के लिए भारत की निम्न चीज़ें महत्वपूर्ण थी। पहला, चुंगी कर में छूट तथा सामानों के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की छूट, जिससे उनका सामान दूसरों से सस्ता मिल सके। व्यापार में मनमानी करने, भारतीयों को अपना सामान सस्ता बेचने, कंपनी का माल महंगा खरीदने, प्रतिद्वंदी यूरोपीय व्यापारियों को बाहर रखने और कंपनी का व्यापार भारतीय राजाओं की नीतियों से स्वतंत्र रहकर जारी रखने के लिए मजबूर करना। याद, बंदरगाहों के पास किलेबंदी करने, पट्टे पर प्राप्त स्थान का प्रशासन चलाने तथा अपने साथ लाए हुए सोने चांदी से भारतीय सिक्के ढालने की अनुमति, क्षेत्रीय शासक से सहायता प्राप्त करना, इसके बदले क्षेत्रीय राज्य के बंदरगाह के प्राप्त चुंगी का आधा हिस्सा राज्य को देना था। तीसरा पॉइंट देखते हैं, ब्रिटिश कंपनी भारत में राजनीतिक सत्ता की स्थापना के लिए भारतीय राजाओं के साथ इन्हीं हथकंडों का इस्तेमाल कर रही। बड़ी चतुराई के साथ वे अपना राज्य बढ़ाती रही। इस तरह एक ऐसा वक्त आया जब अंग्रेज भारत के राजाओं और नवाबों को हटाकर खुद शासन करने लगे। बच्चों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर करें, साथ ही सब्सक्राइब करें। आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।